वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं रुक्सासन। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो जाते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइए। आप जो उनकी ये अचीवमेंट है, आप उनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहेंगे? मैं अप्रिशिएट हम करते हैं, हमारे बंदे को अप्रिशिएट करते हैं, वो बेशक नॉन मुस्लिम हो मुस्लिम हो, हम अप्रिशिएट करते हैं जी। बिल्कुल, इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए क्योंकि पेंटागन पे रसाई का मतलब है आपको वहाँ के आर्मी के आपके अपने जो हथियार हैं उनके लिए आपको वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा, या आपको जैसा भी कोई भी इंटरनेशनल अप्रूवल चाहिए वो आपको इजीली मिल सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ क्यों आपको साजिश करता है? हमने अपने जो है पिक्चर है ना आलमी दुनिया के अंदर बहुत गंदी कर ली है। जो ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत मिलनी चाहिए थी वो हमें आज तक नहीं मिली। हम अमेरिका की तरफ गए, अब हम क्या कर रहे हैं जी, कि जब हम रशिया की तरफ गए हैं अमेरिका ने इंडिया को अपने करीब कर लिया कि पेंटागन में डायरेक्ट एक्सेस भी दे दी उसने पाकिस्तान को, जो है वो बैकवर्ड करने के लिए उसने ये किया। अब हम रशिया की तरफ जाएँ अमेरिका की तरफ, हम कन्फ्यूज हैं, हम क्या करें? आप अपने एंगल से सोच रहे हैं, आप ओपन माइंड इसको सोचे कि इंडिया की कोई एक्सेस नहीं है, इंडिया की कोई अचीवमेंट नहीं है। ये जो कुफर है ना उसकी इस्लाम के खिलाफ अचीवमेंट है। इस्लाम जो है वो अपने आप को पीछे लेके जा रहा है, मुसलमान इंतजार का शिकार है, सारे मुसलमान मालिक आपस में लड़ रहे हैं। ये तो उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि उनके एक रिलेशनशिप कायम हो रहे हैं, उसके साथ रिलेशन बन रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। हमारे कह सकते हैं ये कितना बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए? ये तो उनके लिए अच्छा खासा बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे मुकाबले में। हमारी तो आपके सामने ही है कि इधर मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं जी। मैं इस पे इंडियन जो नेशन है उसको कांग्रेचुलेशन करूँगा कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, ताकि वो आगे मज़ीद उनके लिए रास्ते खुलेंगे तरक्की के, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है उनके तरफ, यानी कि बिल्कुल जी मैं इसको बहुत बड़ी कामयाबी समझता हूँ। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि उनकी एक आज़ाद खारजा पॉलिसी है, वो आज़ाद रहना चाहते हैं। देखिए पिछले दिनों में यूएस हमें तो कहता है आप रशिया से तेल ना लें, लेकिन इंडिया जाके ले लेता है। हेलो गाइस, मैं रुक्सास एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड रियल रिएक्शन। आज का हमारा टॉपिक जो है कि इंडिया को अनलिमिटेड एक्सेस मिली है पेंटागन में, से पूछूंगा कि हम पाकिस्तानियों को ये अमेरिका के तरले करने पड़े हैं, IMF से हमें कर्जा दिलवा दें, उनकी वजह से हमारी रजीम चेंज की गई, हमारे मुल्क में वो आर्डर लगाते हैं तो वो हो जाता है, और लेकिन इंडिया को वो खुद ब खुद कह रहे हैं, जो किसी मुल्क को उन्होंने एक्सेस नहीं दी पेंटागन पर, तो इस पर लेते हैं अपने आवाम का रिव्यू कि हमारे आवाम को इसके बारे में कितना इलम है, और अब हमारे आवाम इस पर क्या बोलते हैं, क्या राय रखते हैं। तो चलते हैं हम अपने आवाम के पास। क्या नाम सर आपका? आबिद हुसैन। तो सर मेरा क्वेश्चन आज का यह है कि हम पाकिस्तानियों को कोई कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, यूएस से ना कोई बैंक ना IMF, हमारे आर्मी चीफ को मजबूरन कॉल भी करनी पड़ी, फिर भी हमें अभी तक कर्जे की किस्त नहीं मिल सकी, और इंडिया को जो यूएस है वो अनलिमिटेड एक्सेस दे रहा है पेंटागन की तरफ, तो वो कह रहा है कि वो और दुनिया में वाहिद मुल्क है जिसको एक्सेस मिली है पेंटागन तक, और उनके जो यूएसए के सेक्रेटरी हैं एयरफोर्स के, उन्होंने कहा कि मुझे भी पेंटागन तक एक्सेस नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये कितनी बड़ी कामयाबी है इंडिया के लिए? भाई मैं इसमें ये समझता हूँ कि ये डिपेंड करता है आपकी जो हुक्मरान हैं वो कैसे हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं आपको पता है वो सारे लुटेरे हैं, सबको पता है, ये सिर्फ आवाम को नहीं पता। ये जो अमेरिका है, बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं, हर एक को पता है कि हमारे जो लीडरान हैं वो कैसे। तो सर ये आप तो जो इंडिया को एक्सेस मिली है पेंटागन तक, आप कितनी बड़ी कामयाबी है इंडिया के समझते, क्योंकि वो वाद मुल्क है जिसको पेंटागन की तक एक्सेस दी गई है, अनलिमिटेड एक्सेस। बिल्कुल जी, मैं इसको बहुत बड़ी कामयाबी समझता हूँ, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि उनकी एक आज़ाद खारजा पॉलिसी है, वो आज़ाद रहना चाहते हैं। देखिए पिछले दिनों में यूएस हमें तो कहता है आप रशिया से तेल ना लें, लेकिन इंडिया जाके ले लेता है, इंडिया उनसे हथियार भी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, क्योंकि उनकी आज़ाद खारजा पॉलिसी है, और उनकी एक उनका फैक्टर ये भी है कि उनकी एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसकी वजह से भी कोई भी उन पर प्रेशर नहीं डालता। जबकि हमारे जो हुक्मरान हैं वो उनका यही होता है कि मिनटें तरले कर रहे होते हैं, जैसे कि पिछले दिनों जनरल बाजवा साहब ने फ़ोन स्पेशल फ़ोन किया जी हमें पैसे दें, IMF को कहें कि हमें
किस जारी करें वो अभी तक नहीं हुई। तो सर आप ये एक ये क्वेश्चन इधर ये भी बनता क्या, हर कोई इंडिया को क्यों एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, हर कोई उसको कोई क्यों इज्जत दे रहा है, हर मुल्क चाह रहा है कि वो मेरी कलोनी में आ जाए, यूएसए चाह रहा है कि वो मेरी तरफ आ जाए, रशिया चाह रहा है वो मेरी तरफ है, क्या वजह है? एक तो उसकी स्ट्रेटजिक जो लोकेशन है वो है, सेकेंडली ये है कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हर मुल्क ये चाहता है कि मेरे उससे इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हों ताकि मेरी ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ हो सके। ट्रेड के अलावा कोई और ऐसे फैक्टर जिसकी वजह से उनको इतनी ज़्यादा इज्जत मिल रही है, क्योंकि ट्रेड तो यूएसए की दूसरे मुल्क के साथ भी बहुत है, चाइना के साथ भी है, और भी कितने कंट्रीज़ है, लेकिन इंडिया को क्यों पेंटागन तक रसाई मिली है, क्या समझते हैं? सर वो उनकी एक पॉलिसी, मैंने आपको बताया एक पार्टिया पॉलिसी है उनके, वो किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, अपनी कंट्री को प्रेफर करते हैं, मतलब कि अपने इज्जत बनाते हैं, अपनी कंट्री की इज्जत बनाते हैं, इसलिए इज्जत कर रहे हैं उनको, ये उनमें इंटीग्रिटी है, वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क की एक इज्जत हो, नाम हो, हम आगे से आगे बढ़ें, वो अपने पेड़ नहीं भरते बल्कि वो पब्लिक का फ़ायदा देखते हैं। और तो सर आप इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, उन्होंने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की कि पेंटागन तक उन्होंने रसाई हासिल कर ली है बगैर वाइट हाउस की इजाज़त के? जी मैं इस पे इंडियन जो नेशन है उसको कांग्रेचुलेशन करूंगा कि एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है उनके लिए ताकि वो आगे मजीद उनके लिए रास्ते खुलेंगे तरक्की के, तो ये एक बहुत अच्छा कदम है उनके तरफ। यानी पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम देंगे कि उनको अभी तक IMF कर्जा भी नहीं दे रहा? उसके लिए यही है कि हमारी आवाम को शऊर होना चाहिए और ये जो हमारे लीडर हैं इनको कुछ शर्म करनी चाहिए कि पब्लिक कुछ चाह रही है, वो कुछ चाहते हैं, पब्लिक चाहती है कि एक जायज़ हुकूमत हो, एक मेरिट पे हो, जिसकी ये नारा लगाते हैं ना जमहूरियत, हम भी चाहते हैं जमहूरियत हो, आवाम भी जमहूरियत चाहती है, तो मैं पाकिस्तानी पब्लिक को ये कहूँगा कि आप यूनाइट हो के अच्छी सोच के अपने सियासी इख्तलाफात को दूर रख के एक अच्छे इंसान की सिलेक्शन करें जो कि मुल्क के लिए बेहतर हो। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम है इम्तियाज लतीफ। तो सर क्वेश्चन मेरा आज का यह है कि हमारे पाकिस्तान को कोई IMF और USA कर्जा मांगने पर भी कर्जा नहीं दे रहे और लेकिन इंडिया को पेंटागन तक एक्सेस मिल गई है, तो आप क्या समझते हैं सबसे पहले कि इंडिया की कितनी बड़ी कामयाबी है? ये इंडिया की कामयाबी यही है क्योंकि ये हमारे जो है ना अदारे ये जो सारे हैं करप्ट हैं, उनको इतनी बड़ी मतलब क्यों फैसिलिटेट है, क्यों कर रहा है, कोई उनको इज्जत क्यों दे रहा है, हमें क्यों नहीं कोई दे रहा? उनको इज्जत इसलिए दे रहा है उनके जो है ना अमेरिका से ताल्लुकात अच्छे हैं, ठीक है, उन्हें हर चीज़ में अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। ऐसा किया इंडिया ने जिसकी वजह से उनको हर कोई इज्जत दे रहा है? वो यही कि अमेरिका के साथ हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला, अमेरिका के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा तो ख्याल यही है कि वो उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाया है, अपनी एजुकेशन पर तवज्जो दी है, अपने लोगों में खुददारी पैदा की है, वो फिल्मी इंडस्ट्री की वजह से भी वो उनकी फिल्में USA में उनकी फिल्म इंडस्ट्री तो नहीं ना देखी जाती? ना ना वो तो नहीं देखी जाती। आप कह सकते हैं ये कितना बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए? ये तो उनके लिए अच्छा खासा बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे मुकाबले में, हमारी तो आपके सामने ही है कि इधर मुल्क के हालात कैसे चल रहे हैं, ये तो उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि उनके एक रिलेशनशिप कायम हो रहे हैं, उसमें से अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है हमारे। देखिए सबसे पहले उन्होंने अपने रिलेशन बहुत अच्छे बनाए हैं उनके साथ, रिलेशन अच्छे किस तरह बनाया है कि उन्होंने सबसे पहले अपने मुल्क की जो पढ़ाई है और फार्मा की कंपनियाँ हैं जहाँ पे या जो भी उनके रिसोर्सेज हैं उन्होंने बेहतर बनाए हैं, जब रिसोर्स उन्होंने बेहतर बनाए हैं तो वो पेंटागन वालों ने तो उनको जब देखा है कि हाँ भी ये तरक्की कर रहे हैं, उनको कुछ नज़र आ रहा है कि यहाँ से हमें कुछ गेन होगा, तो डेफिनेटली उनके साथ रिलेशन कायम किया उन्होंने, उनके उनको सपोर्ट की है और ऐसा है दे लो उनको कर्ज़े वगैरह दे रहे हैं। तो सर अगर तरक्की तो और मुल्क भी काफ़ी कर रहे हैं, इंडिया से ज़्यादा चाइना भी तरक्की कर रहा है, चाइना को क्यों नहीं उन्होंने डायरेक्ट एक्सेस दी या किसी और कंट्री को क्यों नहीं दी? देखिए जी ये तो रिलेशन की बात है, मैंने पहले कहा रिलेशन की बात है, अब जो मुल्क जिसमें अब जो चीज़ उनको बेहतर नज़र आती है, हाँ उनको फ़ायदा नज़र आता है, वो वहाँ पे ज़्यादा असर करता है। अमेरिका उधर तक जाता है जिधर उनको फ़ायदा नज़र, इंडिया में उनको क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है? अब देखें मैंने आपको पहले बताया कि उनके जो बहुत से रिसोर्स हैं, जो जैसे कि उन्होंने अपने मुल्क में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बेहतर की हैं, जैसे मैंने पहले नंबर बताया कि फार्मा है, दूसरे नंबर उन्होंने अपने जो तरक्की बताया है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बता नहीं सकता, आप बेहतर जानते हैं, वो अपने उन्होंने बूस्टअप की हैं तो ऑटोमेटिकली उनके साथ रिलेशन कायम कर लिया उन्होंने। उसमें सिंपल सी वजह यही है कि जो कुफर है, जो कुफर की ताकतें हैं वो सारी मुतहदा हो रही हैं, मुसलमान चार का शिकार है, बस सिंपल सी बात है इसमें। नहीं जो आप समझते हैं जो अचीवमेंट इंडिया ने की है, क्योंकि किसी कंट्री को भी ये उन्होंने एक्सेस नहीं दी पेंटागन ने डायरेक्ट, आप क्या समझते हैं ये इंडिया की कितनी बड़ी अचीवमेंट है, आपको क्या लगता है? अरे आप अपने एंगल से सोच रहे हैं,
आप ओपन माइंड इसको सोचें कि ये इंडिया की कोई एक्सेस नहीं है, इंडिया की कोई अचीवमेंट नहीं है, ये जो कुफर है ना उसकी इस्लाम के खिलाफ अचीवमेंट है। इस्लाम जो है वो अपने आप को पीछे लेके जा रहा है, मुसलमान इंतजार का शिकार है, सारे मुसलमान मालिक आपस में लड़ रहे हैं, हम इतिहाद का शिकार ही नहीं है। देखे ना, अगर उसको पेंडागोन तक शख्स मिल गई है, वो हथियार जमा कर रहा है, किस लिए जमा कर रहा है, जिहाद का ऐलान तो इस्लाम ने दिया है, जिहाद का जो नुकता नज़र है वो तो इस्लाम ने दिया है, कुफार में तो नहीं है, कुफार ने तो जुल्म का नुकता नज़र दिया। हमें IMF कर्जा नहीं दे रहा, उन्हें पेंटागोन तक एक्सेस मिल रही है, हमें IMF तक जाना ही नहीं चाहिए। आप ये इंडिया की अचीवमेंट नहीं समझते? नहीं, इसमें कोई हमारी कमजोरी है। आप कहें जी भजन, आप आज कहें जी इंडिया यहाँ पे पहुँच गया है, इंडिया ने ये हथियार ले लिए हैं, यहाँ फलां ने ये हथियार ले लिए, उनकी कोई अचीवमेंट नहीं है मेरे भाई। हर मुल्क उनको क्यों प्रायोरिटी दे रहा है, उनको क्यों इज्जत दे रहा है, क्या वजह आपको क्या लगता है? एक मेरा आपसे सवाल है, पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर रियासत कौन सी है? पाकिस्तान। इसके अलावा कोई है? मदीना नहीं, बाकी और भी इस्लामिक कंट्रीज हैं जहाँ इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो इस्लाम के नाम पर बना वो मुल्क है कोई दुनिया में? वो सऊदी अरेबिया मरकज है वैसे इस्लाम का। अरे वो इस्लाम के नाम पे नहीं बना, इस्लाम वहाँ से बना है, इस्लाम वहाँ से चला है, इस्लाम के नाम पे नहीं बना। पूरी दुनिया की हिस्ट्री का रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, कलमे के लिए लिया गया है, यहाँ पे कलमे वाला काम है कोई? आप कह रहे हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज है या मुसलमान है वो इंतशार का शिकार है और बाकी जो कंट्रीज है वो एक हो रही है? सिंपल बात तो फिर चाइना अगर देखें वो भी एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, रशिया भी एक नॉन मुस्लिम कंट्री है, वो क्यों नहीं उनके साथ मिल रहा है? चाइना हमारे साथ अपने मफाद के लिए है, ये हमें पहले दिन से समझना चाहिए। हम अमेरिका की तरफ गए, अब हम क्या कर रहे हैं जी, कि जब हम रशिया की तरफ गए हैं, अमेरिका ने इंडिया को अपने करीब कर लिया कि पेंटागोन में डायरेक्ट एक्सेस भी दे दी उसने, पाकिस्तान को जो है वो बैकवर्ड करने के लिए उसने ये किया। अब हम रशिया की तरफ जाएंगे, अमेरिका की तरफ हम कन्फ्यूज़ हैं, हम क्या करें कि इंडिया को तो इतनी बड़ी एक्सेस मिल गई है। तो फिर उन्होंने ऐसा क्या स्टेप्स लिए हैं कि उन्हें हर कंट्री ये कह रहा है, हर कंट्री चाह रहा है कि वो मेरे ब्लॉक में आए, रशिया चाह रहा है कि इंडिया मेरे ब्लॉक में आए और USA चाह रहा है मेरी तरफ आए, क्यों हमें क्यों नहीं कोई हर कोई ये कहता? सर वो एक तो सबसे वजह ये है, अगर आप हम ओपन मार्केट के हिसाब से देखें तो इंडियन की जो मशियत है वो सबसे मजबूत और बहुत बड़ी मशियत है। खुद में क्यों नहीं हर कोई इज्जत दे रहा, इंडिया को क्यों हर कोई इज्जत दे रहा? खुद कर हम जब तक हम अपनी इज्जत खुद नहीं करवाएंगे ना, तब तक हमारी इज्जत कोई नहीं करेगा, ये सिंपल सी बात। आप ये चीज तस्लीम करते हैं कि इंडिया के लोग मेहनत कर रहे हैं इसलिए वो आज मकाम पा रहे हैं, सबसे बेहतरीन मकाम पा रहे हैं? सर ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के लोग भी बहुत सारे मेहनत करते हैं, पाकिस्तान फिर मकाम क्यों नहीं पा रहे? मकाम साजिश है ना हमारे खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ ही क्यों हर कोई साजिश करता है? हमने अपनी जो है पिक्चर है ना आलमी दुनिया के अंदर बहुत गंदी कर ली है, जो ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत मिलनी चाहिए थी वो हमें आज तक नहीं मिली। जी बिल्कुल, इंडिया के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसलिए क्योंकि पेंटागोन पे रसाई का मतलब है आपको वहाँ के आर्मी के आपके अपने जो हथियार हैं उनके लिए आपको वहाँ से अप्रूवल मिल जाएगा, या आपको जैसा भी कोई भी इंटरनेशनल अप्रूवल चाहिए वो आपको इजीली मिल सकता है। इंडिया के लिए असल में देखा जाए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान। आपको क्या लगता है कि हर मुल्क आप देखना रशिया कोशिश कर रहा है कि इंडिया मेरी तरफ आए और USA कोशिश कर रहा है कि इंडिया मेरी तरफ आए, क्यों हर कोई मुल्क इंडिया को क्यों तरक्की दे रहा और जबकि पाकिस्तान की बात की जाए पाकिस्तान को कोई कर्जा नहीं दे रहा, शटअप कॉल हो रही है? जी देखें, हम आज़ाद तो एक टाइम पर ही हुए थे, 14 अगस्त हमारे पास आती है आज़ादी का दिन, उनका 15 अगस्त का दिन है, इससे लेकर आज तक जो 75 साल है उनके लिए 74 बनते हैं इस हिसाब से कह लें आप, 75 साल और एक दिन कम, इसमें तरक्की उनकी अपनी, उनकी गवर्नमेंट की और उनके सारी आवाम की, उन्होंने हमसे कह सकते हैं मेहनत ज़्यादा की है। तो देखिए कि हम ये नहीं कहते कि उनके लिए क्या अचीवमेंट है, हमने अपना देखना, पहली बात तो ये हम अपना देखना चाहते हैं कि हमारे लिए क्या अचीवमेंट है, हमें क्या हासिल होता है जिससे हमारा मुल्क बेहतर हो। उनका तो चले उनका अपना हिसाब है ना, उनको पेंटागन से मिल रही है, उनको हर चीज़ हो रही है, हमें कर्जा देखें कहीं से नहीं मिल रहा, या मेरे ख्याल में अभी मिला सऊदीया से मिला किससे मिला, अब देखा जाए IMF ने दिया दिया पहले था भी, ये इमरान खान की जो हुकूमत थी उससे मैं आपको कर्जे आधे खुद मिल रहे थे और बड़ी इज्जत से मिल रहे थे, अब तो नहीं मिल रहे, क्यों? लेकिन कर्जा लेना अभी तो कोई फख्र की बात नहीं ना। बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो हमारे जिस स्टेट पे हमारा अभी जहाँ खड़ा है मुल्क उधर कर्जे के बारे काम ही नहीं होना, जो उनकी हुकूमत का नाम पता नहीं क्या, मैंने BJP पता नहीं क्या है, जो भी उधर उनका जो हालात है वहाँ तो सारी आवाम जो है उनसे खुद तंग आई हुई है, वो आवाम सारी तंग आई हुई है, वो बड़ी बात है। बड़ा इंकशाफ किया, मुझे तो नहीं पता इस बात का। अच्छा आपको नहीं पता तो आप अपने देखें सोशल मीडिया पे उनकी जितनी है, उनकी जितनी भी आवाम है तो यह सुन रहा कि अगर इंडिया का यह कानून ना होता कि तीसरी मरतबा कोई वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, क्योंकि मोदी दो दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुका और उनका कानून है कि वो तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बनता, अगर यह कानून ना होता तो मेरे ख्याल में उनकी आवाम यह कह रही है कि यह तीसरी मरतबा भी मोदी वज़ीर आज़म होना था।
अच्छा ये, लेकिन मुझे जहाँ तक जो मेरी नॉलेज है, मुझे तो ये लोग मुझे सुनने में और मैंने देखा भी है कि मोदी को आधी ज़्यादा उनकी आवाम नहीं लाइक करती। नहीं सर, उनकी जो मोदी गवर्नमेंट है वो बहुत पावरफुल है, वो पावरफुल है। तो है, ये तो हम भी कह रहे हैं पावरफुल, वो कौन सा सबसे बैठे, वो काफ़ी पुरानी, दो दो आप खुद कह रहे हैं घुमा है, वो पावरफुल तो बहुत है। लेकिन आप जो उनकी ये अचीवमेंट है, आप उनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहेंगे? मैं अप्रिशिएट हम करते हैं, हमारे बंदे को अप्रिशिएट करते हैं, वो बेशक नॉन मुस्लिम हो मुस्लिम हो हम अप्रिशिएट करते हैं। सुना आपने हमारे आवाम का रिव्यू, हमारे मैक्सिमम आवाम ने ये कहा कि भाई उनकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उनको डायरेक्ट एक्सेस मिली है, अनलिमिटेड एक्सेस मिली है पेंटागन तक, और हर कंट्री उनको इसलिए तरजीह दे रहा है, इसलिए प्रेफरेंस दे रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी देसी चीज़ें जैसे कहते हैं उस देश की बनी हुई चीज़ों को प्रेफर किया, अपनी मेहनत की, अपनी लगन से, शौक से वो काम कर रहे हैं। जो भी मेहनत करेगा वो कामयाब होगा, उसका मज़हब से कोई तल्लक नहीं, कि ये ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमान ही से करेगा, जिस मज़हब से भी वो तल्लक रखता है अगर वो मेहनत करेगा तो ऑब्वियसली वो तरक्की करेगा, और यही वजह वो मेहनत कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। और हमारे हुक्मरान और हम आवाम भी, हमारे लोगों ने यह भी कहा कि हम आवाम भी खुद भी नहीं ठीक, हम में बेईमानी में, हम अपने मुल्क से लायल नहीं हैं, हम अपने मुल्क के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, हम मेहनत नहीं करते, इसलिए हम आज पीछे हैं। और इसलिए इंडिया को हर मुल्क प्रेफरेंस दे रहा है, वो पेंटागन तक उनको जो अनलिमिटेड एक्सेस मिली उनकी मेहनत पर और उनकी जियो पोलिटिकल पोजिशन, क्योंकि उनको पता है कि ये एशिया में एक बहुत ग्रोइंग कंट्री है और इसकी पोजिशन भी बहुत मजबूत है, इसलिए हर को उनको अपनी तरफ बुलाने की, अपनी तरफ लेने की कोशिश कर रहा है। ये उनके लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, नो डाउट। और दूसरों की अचीवमेंट्स को अगर दिल से मान लिया जाए तो इतना कोई मजाका नहीं है, और बात जो हक और सच की बात जो बंदा मानता है वो असल में बहादुर है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, गॉड ब्लेस यू।